हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने चेहरे की रंगत को लेकर काफ़ी परेशान है। उसके चेहरे पर दिन ब दिन धूल मिट्टी की वजह से पिंपल्स, मुहासे और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिसे लेकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन दोस्तों, आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर आया हूँ, जिसे इस्तेमाल करने से चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने चेहरे के दाग धब्बे, कालेपन से और झुर्रियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को हर हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते रहेंगे, तो सालों साल तक आपकी चेहरे की त्वचा हमेशा जमा बनी रहेगी, काफ़ी सुंदर और चमकदार बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या ये उपाय। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक खाली कटोरी लेनी है, और उस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर ऐसे गुण और तत्व पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे के दाग धब्बों को जड़ से खत्म करता है और हमारे चेहरे को कुदरती गोरापन देता है। तो आपको यहाँ पर कच्चा दूध लेने के बाद दोस्तों, फिर अगली चीज़ जो यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों बेसन। आपको यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ही बेसन इसमें लेना है। दोनों चीज़ें लेने के बाद में आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से दोस्तों इसे मिलाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जो कि आप ये देख रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी दोस्तों बेसन से भी कई ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारे चेहरे को इतना गोरापन और चमकदार बनाती है। पुराने टाइम से लोग मुल्तानी मिट्टी का सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अपने चेहरे को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए। मुल्तानी मिट्टी लेने का दोस्तों आपको यहाँ पर फिर चाहिए गुलाब जल। आपको यहाँ पर 1 चम्मच गुलाब जल इसमें लेना है। इस तरीके से दोस्तों 1 चम्मच गुलाब जल लेकर आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा रह जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 1 चम्मच दूध और ले लेना है, जिससे कि आपका पेस्ट गाढ़ा ना रहे और आपका पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो जाए। इस तरीके से आपको 1 चम्मच दूध और ले लेना है, फिर आपको इसे अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब आपको करना क्या है, इसे जो उंगलियों की मदद से इस तरीके से लेकर अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से लगाकर दोस्तों इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा, तब आपको इसे सादा पानी से धोकर साफ कर देना है। इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार जरूर लगाते रहें, इससे आपका चेहरा हमेशा जवान और खूबसूरत बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।